हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह लाया हूँ पार्ट 12 100 वोकैब्स को कंप्लीट करने के लिए। शायद आज ये 100 वर्ड्स कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 100 वोकैब्स कंप्लीटेड। अगर आपको इसके बाद भी वर्ड्स चाहिए होगा जो आसानी से आपको इमेज और स्टोरी के मैथड से समझाया जा सके, अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको नहीं चाहिए होगा तो हम यही फिनिश करेंगे। ये है फर्स्ट वर्ड। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आई जस्ट वांट टू स्टार्ट दिस वन। इट्स अ फर्स्ट वर्ड, एब्रोगेट। एब्रोगेट 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 ABROGATE का मतलब होता है निरस्त करना, रद्द करना। आजकल आप देखते होंगे समाचार में बहुत निरस्त करना, परीक्षाएं निरस्त कर दी गई, परीक्षाएं रद्द कर दी गई, घोटाला, नकल, इन सब चीज़ों के कारण। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है की वर्ड जो है, याद करिएगा, अब RO और गेट। देखिएगा RO जो है वो एग्ज़ाम है और GATE भी एक एग्ज़ाम का नाम है ना। अगर आपको नहीं पता है तो आप पता कर लीजिएगा। RO रिव्यू ऑफिसर का होता है और ये जो गेट होता है, ये गेट नेट जैसे होता है वैसे ये गेट होता है जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए होता है, जिसके थ्रू आप जो है वो फार्मेसी के लिए या PhD के लिए या MPharma के लिए आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। तो ये गेट जो है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ऐसे टाइप का कुछ होता है, कन्फर्म नहीं हूँ मैं, बट ये है कि ये एक एग्ज़ाम होता है। तो अब RO और गेट को क्या कर दिया सरकार ने, निरस्त कर दिया है ना। इस समय जो है वो RO और गेट एग्जाम में धांधली के कारण सरकार ने इस परीक्षा को निरस्त कर दिया। आसानी से आपको याद हो जाएगा ना, RO और गेट एग्जाम को क्या कर दिया सरकार ने, बिल्कुल निरस्त कर दिया। हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड के साथ। ये है एब्रिज, ABRIDGE, एब्रिज एब्रिज एब्रिज, घटाना या संक्षिप्त करना या कम करना। हमने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है या कीवर्ड लिखा है एब्रिज। अ ब्रिज इज़ मेड फॉर वॉट, आपसे मैं पूछता हूँ अ ब्रिज इज़ मेड फॉर वॉट। एक ब्रिज किस लिए बनता है, जाहिर सी बात है कि दूरी को घटाने के लिए बनता है। भाई ये है नदी, नदी है ये, हमने यहाँ से एक ब्रिज बना दिया, ये ऐसे ब्रिज बना दिया हमने उल्टा टाइप का। तो ये ब्रिज जो बनाया गया ना, ये डिस्टेंस को कम करने के लिए बनाया जाता है, डिस्टेंस को घटाने के लिए बनाया जाता है। वरना आप दूर से कहीं से यहाँ होके जाते, या ये नदी और बड़ी होती तो आप यहाँ से होकर के आते, या यहाँ से होकर के आते तब जा करके आप पहुँचते। इस तरीके से ये ब्रिज जो होता है, एक ब्रिज, अब्रिज माने एक ब्रिज, एक ब्रिज का काम क्या होता है, दूरी को घटा देना या दूरी को संक्षिप्त कर देना या कम कर देना। आशा है कि आपको ये शब्द समझ में आ रहा होगा। ये है इफेस, इफेस 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 मतलब होता है पोंछना, मिटाना, तोड़ना भी होता है, नष्ट करना भी होता है। तो पोंछना मिटाना कैसे इससे कन्फर्म होगा, इफ EF से IF, फेस FAC, इफ से फेस। देखिएगा एग्जैक्ट वर्ड मिल रहा है ना, है ना। तो इफ फेस भाई, अगर आपके फेस पर कुछ लग जाए तो आप क्या करते हो, है ना, आप पोंछते हो, मिटाते हो, है ना। नष्ट करने का मतलब जो लगा है उसे नष्ट करते हो, उसे आप साफ करते हो। तो आपको ये याद हो जाएगा इफ फेस, इफ फेस, अगर आपके चेहरे पर कुछ लग जाती है तो आप उसे पोंछ देते हो, आप उसे मिटा देते हो, है ना। नेक्स्ट वर्ड है, इसको थोड़ा सा आप अलग तरीके से सोचिएगा तभी आपको याद आएगा। हाँ, याद जरूर आएगा क्योंकि आप इमेज बना लोगे। जैसे आप अपने दोस्तों का नाम इमेज के रूप में याद कर लेते हो, हजारों दोस्त आपके हों तो आपका कोई दोस्त अगर आप नाम लेता है कि रामू, तो रामू के नाम से ही वो दोस्त का चेहरा आपके सामने आ जाता है। तो जैसे नाम से इमेज बन जाती है ना, वैसे वर्ड से अगर आप इमेज बना लोगे तो ये वर्ड कभी लाइफ में भूलेगा नहीं, ठीक है। तो वर्ड है आपका डिबोनेयर। क्या है, डिबोनेयर, बिल्कुल। तो इसे हम याद कैसे करेंगे, इसका मतलब होता है खुश मिजाज या फैशनी, खुश मिजाज या फैशनी। लिखा हमने डेबो, DEBO डेबो, जैसे DJ ब्रेवो है आपकी वेस्ट इंडीज का क्रिकेटर, तो ऐसे ये डेबो डेबो। और नायर, डेबोनेयर डेबोनायर डेबोनायर, ये जो डेबो और नायर दो फ्रेंड है ना, दो नाम है, ये डेबो और नायर दो नाम है। डेबो और नायर ना बड़े खुश मिजाज व्यक्ति हैं, बड़े फैशनी व्यक्ति हैं। कैसे हैं, बड़े खुश मिजाज और बड़े फैशनी व्यक्ति हैं। तो आपको याद करना है डेबोनेयर, आपको याद नहीं बल्कि आपको इमेज बनानी है। डेबो डेबो एक आदमी का नाम है, नायर नायर भी एक आदमी का नाम है, दोनों आदमी दोस्त हैं और दोनों के दोनों बड़े फैशनी हैं और बड़े खुश मिजाज रहते हैं, ठीक है। वर्ड आपको याद हो जाएगा जरूर, मैं कंफर्म करता हूँ। अगर आपको नहीं लग रहा हो कि आपको याद हो जाएगा तो आप एक बार शब्द को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद दो चार बार बोल दीजिएगा और फिर कॉपी पेन में लिख करके एक बार शब्द को मीनिंग को हटा दीजिएगा और सिर्फ वर्ड को बोलिएगा डेबोनेयर डेबोनेयर डेबोनेयर। आपको डेबो और नायर जैसे याद होगा कन्फर्म हो जाएगा कि दो बंदे जो थे बड़े ही फैशनेबल और खुश मिजाज थे, है ना। ये है आर्केन, आर्केन 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 माने गुप्त या छिपाना। देखिए स्टोरी बड़ी अच्छी है। आप लोग भी क्या करते होंगे जब टीचर्स आपके क्लास में, अगर करते होंगे तो टीचर्स, अगर टीचर्स आपके क्लास में आता है, ये क्लास आपका है, आप लोग यहाँ बैठे हो ढेर सारे बच्चे, टीचर आता है वो छड़ी लेकर के आता है, केन, CANE, केन का मतलब होता है डंडा या छड़ी, केन डंडा लेके आता है और कुछ पूछता है आपसे, आप जवाब नहीं देते और वो बच्चों को पीटना शुरू कर देता है।
तो बच्चे भी बड़े चालाक, टीचर को निपटाना जानते हैं वो लोग। टीचर अगर कहीं वो केन, वो स्टिक, वो डंडा छोड़ करके चला गया तो बच्चे उस डंडे को गायब कर देते हैं, और टीचर फिर खोजता रहे, चिल्लाता रहे, उसे मिलता नहीं है। इस तरीके से बच्चे बड़े खुश क्योंकि टीचर अब उन्हें मार नहीं पाएगा, और मारेगा भी तो कैसे मारेगा वो, है ना। तो इस तरीके से आपका ये शब्द समझ में आएगा। कीवर्ड जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा, वेयर आर केन, वेयर आर माई केन। टीचर जो है, बच्चे क्या किए, बच्चे केन को जो होते हैं वो छिपा दिए, बच्चे को क्या किए, बच्चे केन को छिपा दिए, डंडे को छिपा दिए। अब टीचर आ रहा, पूछ रहा है वेयर आर माई केन, वेयर आर, ए आर, ए आर, ए आर रहमान नहीं है, ए आर, ए आर, ए आर का मतलब आर, सी एन ई का मतलब केन, वेयर आर माई केन यानी मेरा केन कहाँ है। अगर वो पूछ रहा है टीचर कि मेरा केन कहाँ है, मेरा डंडा कहाँ है, इसका मतलब है कि आपने क्या किया भैया, छिपा दिया है आपने गुप्त जगह पर उसे। तो आरकेन का मतलब होता है छिपा देना, आरकेन, वेर आर माई केन, वेर आर माई केन, डंडा का, डंडा का, डंडा का, डंडा छुपा दिया बच्चों ने, कहाँ मिलेगा तुमको। ये नेक्स्ट वर्ड है नकल हेड, नकल एड, नकल एड, नकल एड, नकल हेड है भले, नकल एड है ये। तो नकल हेड का मतलब होता है मंद बुद्धि, और ये शब्द इतना आसान है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नकल हेड भाई, जिसका हेड जो है वो ना नकल से भरा हुआ है, जो नकल से ही अपना दिमाग चलाता है, जिसका दिमाग अपना नहीं है, वो नकल करता है, तो वो जाहिर सी बात है वो मंद बुद्धि बालक होगा, है ना। नकल की स्पेलिंग KNUCKL है, बस हम हिंदी में ये वाला नकल देखेंगे, नकल कॉपी वाला, जो हम कॉपी नकल करते हैं स्कूल में, क्लासेस में, है ना, एग्जाम्स में। तो नकल हेड, जिस बच्चे का हेड नकल वाला होगा, जो अपने सर में अपना दिमाग नहीं रखा है, नकल का रखा है, नकल से ही लिखता है, उसका दिमाग जो होगा वो होगा मंद बुद्धि। एग्जैक्टली यही होगा, है ना। ये है फ्रेनेटिक, 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 फ्रेनेटिक का मतलब होता है उत्तेजित, एक्साइटेड। जब आप अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हो तो फ्रेनेटिक होता है। इसका कीवर्ड हमने रखा ट्रेन, फ्रेन का, देखिएगा FREN, फ्रेन, और TIC, टिक टिक टिक, टिकट 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 टिकट, है ना। तो ट्रेन टिकट, मान लीजिए कि आप जो हो वो कभी ट्रेन में यात्रा नहीं किए हो, या यू कह सकते हो कि आप ट्रेन की बुकिंग तो कर लिए लेकिन कंफर्म सीट नहीं हुई थी, और आपको कहीं जाना है, आपको दिल्ली से कोलकाता जाना है, दिल्ली से आपको यूपी गोरखपुर में आना है, आपको कहीं और जाना है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आप बड़े नर्वस होंगे, बड़े परेशान होंगे, क्योंकि आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ और आपको जाना जरूरी है, क्योंकि आप जनरल में जाओगे तो परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आप झेल जाओगे। तो ऐसे कंडीशन में जब ट्रेन का टिकट आपका कंफर्म हो जाता है ना, तो आप बड़े एक्साइटेड हो जाते हो, भैया बहुत बढ़िया, आप तो कम से कम राहत की सांस लेते हो, आप बढ़िया है ना। ट्रेन टिकट यानी कि जब आपको ट्रेन की टिकट मिल जाती है, या आप पहली बार जा रहे हो, आपको किसी ने ट्रेन की टिकट दी कि भैया जाओ यात्रा कर लो, पहली बार एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है ना, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, या ऐसे याद कर सकते हो। फ्रेनेटिक का मतलब है फ्रेंड, फ्रेंड हम कह सकते हैं, फ्रांस, फ्रांस, फ्रेंच, फ्रेंच, फ्रांस, फ्रांस, फ्रांस का टिकट, फ्रांस का टिकट, फ्रांस का टिकट, आपको ना फ्रांस का टिकट मिल गया, आप जो थे ना वो लॉटरी जीते हो फ्रांस में जाने का टिकट, क्योंकि फ्रांस में कुछ आयोजन होने वाला है, मान लो कोई गेम होने वाला है वहाँ पे, तो फ्रांस का टिकट आपको मिल गया, और ऐसे कंडीशन में आपकी जो एक्साइटमेंट होगी ना वो एक्सट्रीम हो जाएगी भैया, अत्यधिक चरम सीमा पर चली जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। ये जो वर्ड है ना, यह है कुडोस, 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 कुडोस मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, ऐसा काम करना जिससे आपकी लोग प्रशंसा करें, यानी ऐसा काम करना जिससे आपकी प्रशंसा करें। तो जब कोई आपसे ऐसा फील कराए कि बंदा ने काम किया है, आपको उस समय उसकी प्रशंसा करना है, तो आप यूज़ कर सकते हो कीडोस नामक वर्ड। इन शब्दों का यूज़ जरूर करिएगा, तभी आपके शब्द इफेक्टिव होंगे, वरना जब आप बोलना शुरू करोगे ना तो प्रशंसा के लिए आप एडमायर ही रखोगे, आप उस समय कीडोस यूज़ नहीं कर पाओगे। तो कीडोस को हम कैसे याद करेंगे, कूदो, 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 देखिए एग्जैक्टली वर्ड है ना, कूदो कूदो कूदो, कहाँ कूदो, अरे ऐसे ही थोड़ी गड़ी में आप कूद जाओगे, नदी में कूद जाओगे, जैसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे वो अंग्रेजों से लोहा लिए और वो जंग में कूद पड़े, वो कूदना नहीं है। ये कूदना जो है वो ओलंपिक में है। देखिए ओलंपिक गेम में अगर आप लंबी कूदोगे, लंबी लंबी का मतलब है कि 26 फीट, 27 फीट, यानी कि ओलंपिक में अगर आपको लॉन्ग जंप के लिए वहाँ पर एक एथलीट के रूप में भेजा गया है इंडिया से, आप जितना ज़्यादा कूदोगे, जितना दूर तक कूदोगे, जाहिर सी बात है कि आप ज़्यादा दूर तक कूदोगे तो आप ओलंपिक में मेडल के हकदार होंगे, और जब ओलंपिक में ज़्यादा कूद करके मेडल पा जाओगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी प्रशंसा दूर दूर तक होगी, क्योंकि आपने ऐसा काम ही किया है कि आपके लोग प्रशंसा करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने ओलंपिक में बहुत लंबी कूदी है, यानी कि आप जो है वो सबको हरा करके सारे देशों के
एथलीट्स को, सारे देशों के कम्पिटेटिव को, और फिर आप लंबी कूद कूद करके आप आए हो ओलंपिक का मेडल लेकर के, और इस तरीके से आपकी प्रशंसा हर जगह होगी, है ना। इस तरीके से ये वर्ड्स बड़े इजी हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आशा कि आपको ये शब्द समझ में आ गए होंगे। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको वर्ड्स चाहिए होगा और भी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वरना हमारा ये 100 वोकैब्स का जो कैंपेन था, जो अभियान था, महाअभियान, वो यहाँ एंड होता है। हाँ, इसके बाद हम वीडियो लेकर चलेंगे कुछ नए वर्ड्स के साथ, सिनोनिम्स कैसे बनाएं, किस तरीके से हम सिनोनिम याद रखें। तो सिनोनिम्स के लिए मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ, तो आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप वो जो रिंग का बटन नहीं होता है, बेल का बटन, वो जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैंने कौन सा वीडियो कब अपलोड किया है। ठीक है, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, और क्या कहते हैं उसको, लाइक, हाँ लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक इसे आप पढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह लाया हूँ पार्ट 12 100 वोकैब्स को कंप्लीट करने के लिए। शायद आज ये 100 वर्ड्स कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 100 वोकैब्स कंप्लीटेड। अगर आपको इसके बाद भी वर्ड्स चाहिए होगा जो आसानी से आपको इमेज और स्टोरी के मेथड से समझाया जा सके, अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको नहीं चाहिए होगा तो हम यहीं फिनिश करेंगे। ये है फर्स्ट वर्ड। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आई जस्ट वांट टू स्टार्ट दिस वन। इट्स अ फर्स्ट वर्ड, एब्रोगेट, 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 ABROGATE का मतलब होता है निरस्त करना, रद्द करना। आजकल आप देखते होंगे समाचार में बहुत निरस्त करना, परीक्षाएं निरस्त कर दी गई, परीक्षाएं रद्द कर दी गई, घोटाला, नकल, इन सब चीज़ों के कारण। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कीवर्ड जो है, याद करिएगा, अब RO और गेट। देखिएगा RO जो है वो एग्ज़ाम है और GATE भी एक एग्ज़ाम का नाम है ना। अगर आपको नहीं पता है तो आप पता कर लीजिएगा। RO रिव्यू ऑफिसर का होता है, और ये जो गेट होता है, ये गेट नेट जैसे होता है वैसे ये गेट होता है जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए होता है, जिसके थ्रू आप जो है वो फार्मेसी के लिए, आप PhD के लिए या MPharma के लिए आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। तो ये गेट जो है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ऐसे टाइप का कुछ होता है, कन्फर्म नहीं हूँ मैं, बट ये है कि ये एक एग्ज़ाम होता है। तो अब RO और गेट को क्या कर दिया सरकार ने, निरस्त कर दिया है ना। इस समय जो है वो RO और गेट एग्जाम में धांधली के कारण सरकार ने इस परीक्षा को निरस्त कर दिया। आसानी से आपको याद हो जाएगा ना, RO और गेट एग्जाम को क्या कर दिया सरकार ने, बिल्कुल निरस्त कर दिया। हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड के साथ। ये है एब्रिज, ABRIDGE, एब्रिज, 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 घटाना या संक्षिप्त करना या कम करना। हमने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है या कीवर्ड लिखा है अब्रिज। अब्रिज इज मेड फॉर वॉट, आपसे मैं पूछता हूँ अब्रिज इज मेड फॉर वॉट, एक ब्रिज किस लिए बनता है। जाहिर सी बात है कि दूरी को घटाने के लिए बनता है। भाई ये है नदी, नदी है ये, हमने यहाँ से एक ब्रिज बना दिया, ये ऐसे ब्रिज बना दिया हमने उल्टा टाइप का। तो ये ब्रिज जो बनाया गया है ना, ये डिस्टेंस को कम करने के लिए बनाया जाता है, डिस्टेंस को घटाने के लिए बनाया जाता है, और ना आप दूर से कहीं से यहाँ होके जाते, या ये नदी और बड़ी होती तो आप यहाँ से होकर के आते, या यहाँ से होकर के आते तब जा करके आप पहुँचते। इस तरीके से ये ब्रिज जो होता है, एक ब्रिज, अब्रिज माने एक ब्रिज, एक ब्रिज का काम क्या होता है, दूरी को घटा देना या दूरी को संक्षिप्त कर देना या कम कर देना। आशा है कि आपको ये शब्द समझ में आ रहा होगा। यह है इफेस, 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 इफेस मतलब होता है पोछना, मिटाना, तोड़ना भी होता है, नष्ट करना भी होता है। तो पोछना, मिटाना कैसे, इससे कन्फर्म होगा, इफ, ई एफ से आई एफ, फेस, एफ एस ई से फेस, देखिएगा एग्जैक्ट वर्ड मिल रहा है ना, है ना। तो इफ फेस, इफ फेस, भाई अगर आपके फेस पर कुछ लग जाए तो आप क्या करते हो, है ना, आप पोछते हो, मिटाते हो, है ना। नष्ट करने का मतलब जो लगा है उसे नष्ट करते हो, उसे आप साफ करते हो। तो आपको ये याद हो जाएगा, इफ फेस, इफ फेस, अगर आपके चेहरे पर कुछ लग जाती है तो आप उसे पोछ देते हो, आप उसे मिटा देते हो, है ना। नेक्स्ट वर्ड है, इसको थोड़ा सा आप अलग तरीके से सोचिएगा तभी आपको याद आएगा। हाँ याद जरूर आएगा, क्योंकि आप इमेज बना लोगे। जैसे आप अपने दोस्तों का नाम इमेज के रूप में याद कर लेते हो, हजारों दोस्त आपके हों तो आपका कोई दोस्त अगर आप नाम लेता है कि रामू, तो रामू के नाम से ही वो दोस्त का चेहरा आपके सामने आ जाता है। तो जैसे नाम से इमेज बन जाती है ना, वैसे वर्ड से अगर आप इमेज बना लोगे तो ये वर्ड कभी लाइफ में भूलेगा नहीं। ठीक है, तो वर्ड है आपका डिबोनेयर। क्या है, डिबोनेयर, बिल्कुल। तो इसे हम याद कैसे करेंगे, इसका मतलब होता है खुश मिजाज या फैशनी, खुश मिजाज या फैशनी। लिखा हमने डेबो, DEBO, डेबो, जैसे DJ ब्रेवो है आपकी वेस्ट इंडीज का क्रिकेटर, तो ऐसे ही डेबो, डेबो और नायर, डेबो नायर, डेबो नायर, डेबो नायर। ये जो डेबो और नायर दो फ्रेंड है ना, दो नाम है ये, डेबो और नायर दो नाम है। डेबो और नायर ना बड़े खुश मिजाज व्यक्ति हैं, बड़े फैशनी व्यक्ति हैं,
कैसे हैं? बड़े खुश मिजाज और बड़े फैशनी लगती हैं। तो आपको याद करना है डेबो ने, आपको याद नहीं बल्कि आपको इमेज बनानी है। डेबो, डेबो एक आदमी का नाम है, नायर, नायर भी एक आदमी का नाम है। दोनों आदमी दोस्त हैं और दोनों के दोनों बड़े फैशनी हैं और बड़े खुश मिजाज रहते हैं। ठीक है, वर्ड आपको याद हो जाएगा जरूर, मैं कन्फर्म करता हूँ। अगर आपको नहीं लग रहा हो कि आपको याद हो जाएगा तो आप एक बार शब्द को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद दो चार बार बोल दीजिएगा और फिर कॉपी पेन में लिख करके एक बार शब्द को मीनिंग को हटा दीजिएगा और सिर्फ वर्ड को बोलिएगा डेबोनेयर डेबोनेयर डेबोनेयर। आपको डेबो और नायर जैसे याद होगा कन्फर्म हो जाएगा कि दो बंदे जो थे बड़े ही फैशनेबल और खुश मिजाज थे, है ना। ये है आर्केन, आर्केन 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 माने गुप्त या छिपाना। देखिए स्टोरी बड़ी अच्छी है। आप लोग भी क्या करते होंगे जब टीचर्स आपके क्लास में, अगर करते होंगे तो टीचर्स, अगर टीचर्स आपके क्लास में आता है, ये क्लास आपका है, आप लोग यहाँ बैठे हो ढेर सारे बच्चे, टीचर आता है वो छड़ी लेकर के आता है, केन, सी ए एन ई, केन का मतलब होता है डंडा या छड़ी, केन डंडा लेके आता है और कुछ पूछता है आपसे, आप जवाब नहीं देते और वो बच्चों को पीटना शुरू कर देता है। तो बच्चे भी बड़े चालाक, टीचर को निपटाना जानते हैं वो लोग। टीचर अगर कहीं वो केन, वो स्टिक, वो डंडा छोड़ करके चला गया तो बच्चे उस डंडे को गायब कर देते हैं और टीचर फिर खोजता रहे, चिल्लाता रहे, उसे मिलता नहीं है। इस तरीके से बच्चे बड़े खुश क्योंकि टीचर अब उन्हें मार नहीं पाएगा, और मारेगा भी तो कैसे मारेगा वो, है ना। तो इस तरीके से आपका ये शब्द समझ में आएगा। कीवर्ड जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा, वेयर आर केन, वेयर आर माई केन, टीचर जो है, बच्चे क्या किए, बच्चे केन को जो थे वो छिपा दिए, बच्चों को क्या किए, बच्चे केन को छिपा दिए, डंडे को छिपा दिए। अब टीचर आ रहा है, पूछ रहा है वेयर आर माई केन, वेयर आर, ए आर रहमान नहीं है, ए आर का मतलब आर, सी एन ई का मतलब केन, वेयर आर माई केन यानी मेरा केन कहाँ है। अगर वो पूछ रहा है टीचर कि मेरा केन कहाँ है, मेरा डंडा कहाँ है, इसका मतलब है कि आपने क्या किया भैया, छिपा दिया है आपने गुप्त जगह पर उसे। तो आर्केन का मतलब होता है छिपा देना, आर्केन, वेयर आर माई केन, वेयर आर माई केन, डंडा का, डंडा का, डंडा का, डंडा छुपा दिया बच्चों ने, कहाँ मिलेगा तुमको। ये नेक्स्ट वर्ड है नकल हेड, नकल हेड, नकल हेड, नकल हेड, नकल हेड है भले, नकल हेड है ये। तो नकल हेड का मतलब होता है मंदबुद्धि, और ये शब्द इतना आसान है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नकल हेड भाई, जिसका हेड जो है वो ना नकल से भरा हुआ है, जो नकल से ही अपना दिमाग चलाता है, जिसका दिमाग अपना नहीं है वो नकल करता है, तो वो जाहिर सी बात है वो मंदबुद्धि बालक होगा, है ना। नकल की स्पेलिंग KNUCKLE है, बस हम हिंदी में ये वाला नकल देखेंगे, नकल कॉपी वाला, जो हम कॉपी नकल करते हैं स्कूल में, क्लासेस में, है ना, एग्जाम्स में। तो नकल हेड, जिस बच्चे का हेड नकल वाला होगा, जो अपने सर में अपना दिमाग नहीं रखा है, नकल का रखा है, नकल से ही लिखता है, उसका दिमाग जो होगा वो होगा मंद बुद्धि, एग्जैक्टली यही होगा, है ना। ये है फ्रेनेटिक, 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 फ्रेनेटिक का मतलब होता है उत्तेजित, एक्साइटेड, जब आप अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हो तो फ्रेनेटिक होता है। इसका कीवर्ड हमने रखा ट्रेन, फ्रेन का, देखिएगा FREN, फ्रेन, और TIC, टिक टिक टिक, टिकट, 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 है ना। तो ट्रेन टिकट, मान लीजिए कि आप जो हो वो कभी ट्रेन में यात्रा नहीं किए हो, या यू कह सकते हो कि आप ट्रेन की बुकिंग तो कर लिए लेकिन कंफर्म सीट नहीं हुई थी, और आपको कहीं जाना है, आपको दिल्ली से कोलकाता जाना है, दिल्ली से आपको यूपी गोरखपुर में आना है, आपको कहीं और जाना है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आप बड़े नर्वस होंगे, बड़े परेशान होंगे, क्योंकि आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ और आपको जाना जरूरी है, क्योंकि आप जनरल में जाओगे तो परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आप झेल जाओगे। तो ऐसे कंडीशन में जब ट्रेन का टिकट आपका कंफर्म हो जाता है ना, तो आप बड़े एक्साइटेड हो जाते हो, भैया बहुत बढ़िया, आप तो कम से कम राहत की सांस लेते हो, अब बढ़िया है ना। ट्रेन टिकट यानी कि जब आपको ट्रेन की टिकट मिल जाती है, या आप पहली बार जा रहे हो, आपको किसी ने ट्रेन की टिकट दी कि भैया जाओ यात्रा कर लो, पहली बार एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है ना, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, या ऐसे याद कर सकते हो। फ्रेनेटिक का मतलब है फ्रेन, फ्रेन हम कह सकते हैं फ्रांस, फ्रांस, फ्रेंच, फ्रेंच, फ्रांस, फ्रांस, फ्रांस का टिकट, फ्रांस का टिकट, फ्रांस का टिकट, आपको ना फ्रांस का टिकट मिल गया, आप जो थे ना वो लॉटरी जीते हो फ्रांस में जाने का टिकट, क्योंकि फ्रांस में कुछ आयोजन होने वाला है, मान लो कोई गेम होने वाला है वहाँ पे, तो फ्रांस का टिकट आपको मिल गया। और ऐसे कंडीशन में आपकी जो एक्साइटमेंट होगी ना वो एक्सट्रीम हो जाएगी भैया, अत्यधिक चरम सीमा पर चली जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। ये जो वर्ड है ना, यह है कुडोस, 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 मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, ऐसा काम करना जिससे आपकी लोग प्रशंसा करें, यानी ऐसा काम करना जिससे आपकी प्रशंसा करें। तो जब कोई आपसे ऐसा फील कराए कि बंदा ने काम किया है, आपको उस समय उसकी प्रशंसा करना है, तो आप यूज़ कर सकते हो कीडोस नामक वर्ड। इन शब्दों का यूज़ जरूर करिएगा, तभी आपके शब्द इफेक्टिव होंगे, वरना जब आप बोलना शुरू करोगे ना तो प्रशंसा के लिए आप एडमायर ही रखोगे, आप उस समय कीडोस यूज़ नहीं कर पाओगे। तो कीडोस को हम कैसे याद करेंगे, कूदो, कूदो,
कूदो, देखिए एग्जैक्टली वर्ड है ना, कूदो कूदो कूदो, कहाँ कूदो, अरे ऐसे ही थोड़ी गड़ी में आप कूद जाओगे, नदी में कूद जाओगे, जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनाम संग्राम सेनानी जो थे वो अंग्रेजों से लोहा लिए और वो जंग में कूद पड़े, वो कूदना नहीं है, ये कूदना जो है वो ओलंपिक में है। देखिए ओलंपिक गेम में अगर आप लंबी कूदोगे, लंबी लंबी का मतलब है कि 26 फीट, 27 फीट, यानी कि ओलंपिक में अगर आपको लॉन्ग जंप के लिए वहां पर एक एथलीट के रूप में भेजा गया है इंडिया से, आप जितना ज्यादा कूदोगे, जितना दूर तक कूदोगे, जाहिर सी बात है कि आप ज्यादा दूर तक कूदोगे तो आप ओलंपिक में मेडल के हकदार होंगे, और जब ओलंपिक में ज्यादा कूद करके मेडल पा जाओगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी प्रशंसा दूर दूर तक होगी, क्योंकि आपने ऐसा काम ही किया है कि आपके लोग प्रशंसा करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने ओलंपिक में बहुत लंबी कूदी है, यानी कि आप जो है वो सबको हरा करके सारे देशों के एथलीट्स को, सारे देशों के कंपिटेटिव को, और फिर आप लंबी कूद कूद करके आप आए हो ओलंपिक का मेडल लेकर के, और इस तरीके से आपकी प्रशंसा हर जगह होगी, है ना। तो इस तरीके से ये वर्ड्स बड़े इजी हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आशा कि आपको ये शब्द समझ में आ गए होंगे। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको वर्ड्स चाहिए होगा और भी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वरना हमारा ये 100 वोकैब्स का जो कैंपेन था, जो अभियान था, महाअभियान, वो यहाँ एंड होता है। हाँ, इसके बाद हम वीडियो लेकर चलेंगे कुछ नए वर्ड्स के साथ, सिनोनिम्स कैसे बनाएं, किस तरीके से हम सिनोनिम याद रखें, तो सिनोनिम्स के लिए मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ। तो आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप वो जो रिंग का बटन नहीं होता है, बेल का बटन, वो जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैंने कौन सा वीडियो कब अपलोड किया है। ठीक है, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, और क्या कहते हैं उसको, लाइक, हाँ लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक इसे आप पढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।